Hello students, myself Dr. Taru Mittal, Assistant Professor, SSD Girls College, Bhatinda. अब मैं आपके साथ कुछ basics mathematics की tricks share करना चाहती हूँ, जो आप लोगों के पास सभी के सभी competitive exams में बहुत ज़्यादा useful रहेंगी. आने वाले time में, आने वाले session में बहुत सारी post आने वाली हैं, जिसमें आपको ये basic mathematics के लिए ये basic mathematics knowledge बहुत ज़रूरी है. ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, जो कि उन्हें रिकॉल हो जाएगा. और ये उन लोगों के लिए भी, मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया, इसीलिए जो लोग विदाउट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए भी बेसिक मैथमेटिक्स नॉलेज बहुत जरूरी है. वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो भी आपका पोर्शन आएगा, उस पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे. इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कशन करूंगी. आज मैं आपके साथ वेरी फर्स्ट नंबर सिस्टम के साथ शुरू करना चाह रही हूँ, जो आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज है. मैथमेटिक्स और क्वांट को शुरू करने से पहले इसी के बारे में आप लोगों के पास नॉलेज होना सबसे पहले चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई नंबर सिस्टम. नंबर क्लासिफिकेशंस जो आप लोगों के पास बेसिक है, इसके ऊपर शायद आप लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट आप लोगों को नॉलेज होना जरूरी है नंबर्स को हम कैसे अलग अलग नाम देकर बुला सकते हैं. वेरी फर्स्ट वेराइटी इज योर नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. 1, 2, 3 ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, विदाउट डेसिमल परफेक्ट नंबर्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर. नेक्स्ट इज योर होल नंबर. होल नंबर में हम जीरो को और इंक्लूड कर लेते हैं, नेचुरल नंबर तो साथ है ही इसके पास. उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर. इंटीजर में जीरो, ऑल पॉजिटिव, इंक्लूडिंग ऑल नेगेटिव ऑल्सो. उसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं. रैशनल नंबर के लिए स्पेशली बता दूं, इसमें वो नंबर आते हैं जो डिविजिबिलिटी फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में. बट कंडीशन ये है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता. उसके बाद आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर वो है जो हमारे पास अनपरफेक्ट पावर है. अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, क्यूब रूट ऑफ 5, पाई, ऑल दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर. उसके बाद आता है हमारे पास रियल नंबर. रियल नंबर के बाद भी और कैटेगरीज आती हैं, बट क्वांटिटेटिव नॉलेज के लिए हमारे पास रियल नंबर तक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और हमारे पास जितनी भी वैरायटी के नंबर्स हम रूटीन में यूज करते हैं, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. डिविजिबिलिटी टेस्ट, वैसे तो हम लॉन्ग डिविजन की हेल्प से हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ आप लोगों के साथ मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स शेयर करना चाह रही हूँ, जिसके अंडर आप लोगों को डायरेक्ट चेक हो जाएगा होल नंबर की लॉन्ग डिविजिबिलिटी किए बिना. वेरी फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय टू. डिविजिबिलिटी बाय टू चेक करने के लिए मैं आपसे एग्जाम्पल देखती हूँ और उसके बाद आपको रूल्स के बारे में बताती हूँ. एग्जाम्पल देख के आपको पता लग रहा है मैं यूनिट प्लेस की बात कर रही हूँ, और यूनिट प्लेस पे हमारे पास अगर हमारा नंबर या तो जीरो हो जाए, या वो पर्टिकुलर सिंगल डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है वो टू से डिविजिबल होगा, देन दैट होल नंबर इज नोन एज द डिविजिबल बाय टू. और इसका रूल क्या कह सकते हैं हम लोग, इफ लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर और इट इज जीरो at the end, then this number is divisible by 2. Next we have the divisibility by 3. 3 की divisibility check करने के लिए पहले example. Example में मैंने उठाया एक number 3201. इसके सभी digits को आप add कर लीजिए. 3 plus 2 plus 0 plus 1, ये आया 6. और अगर सारे digits का addition हमारा 3 से divisible है, then that particular number is known as divisible by 3. Now this rule, if the sum of digits of given number is divisible by 3, then that particular number is known as divisible by 3. Next we have the divisibility by 4. 2 की डिविजिबिलिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए 4 की डिविजिबिलिटी आ जाती है. इसमें हम लोग लास्ट टू डिजिट चेक करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में तो आप लोग बोल सकते हो लास्ट टू डिजिट, और अगर हम इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे तो आप लोग कह सकते हो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस के नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस के नंबर्स अगर हमारे पास मिलके, दो जो टू डिजिट नंबर हमें मिलेगा वो मिलके अगर 4 से डिविजिबल हो गया, या उस प्लेसेस, दोनों प्लेसेस पर हमारे पास जीरो आ जाए, देन दैट नंबर इज नोन टू बी डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 5.
डिविजिबिलिटी बाय 5 बिल्कुल 2 की डिविजिबिलिटी जैसा ही है। हम लोग लास्ट डिजिट सिंपल लैंग्वेज में आप लोग लास्ट डिजिट बोल रहे हैं, और मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको बोलूं तो यूनिट प्लेस का डिजिट, यूनिट प्लेस का डिजिट या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, 5 से डिविजिबल हो जाए, देन दैट नंबर नेचुरली 5 से डिविजिबल नंबर तो यूनिट प्लेस का ही होगा। इसे मैं ये भी कह सकती हूं कि वो 5 हो जाए, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करने के लिए लगभग आप लोगों को बताऊं तो लगभग 3 जैसा चलता है, बट इसमें हमें अपने नंबर को दोनों नंबर से चेक डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 एंड 3। व्हाई 2 एंड 3? क्योंकि 2 और 3 दोनों 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अभी मैंने आपके पास जो एग्जांपल लिया है उसकी अगर हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट प्लेस यानी यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 है और वो 2 से डिविजिबल हुआ। अब हम सारे डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, डिजिट्स को ऐड करने के बाद हमें मिलता है 21, और 21 हमारे पास 3 से डिविजिबल है। इट मींस जो गिवन नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। इट मींस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 8, आपने देखा होगा मैं डिविजिबिलिटी बाय 7 नहीं आपको यहां सिखा रही हूं, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी एक प्राइम डिविजिबिलिटी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। यहां हम सिर्फ वो नंबर्स देख रहे हैं जो प्राइम नहीं है। नाउ यू हैव द डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 की तरह हम लोग जस्ट लाइक 2 की तरह ही चेक करेंगे। 2 में हमने लास्ट एक प्लेस लिया था, 4 के लिए लास्ट 2 प्लेस लिया था, और 8 के लिए हम लोग लास्ट 3 प्लेसेस। लास्ट 3 प्लेसेस हमारे कौन कौन से बनेंगे? यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड 100 प्लेस। लास्ट 3 प्लेसेस अगर हमारे पास मिलके 8 से डिविजिबल हो जाए, या आप लोग कह सकते हो लास्ट 3 प्लेसेस पे हमारे पास तीनों के तीनों नंबर, तीनों के तीनों डिजिट 0 हो जाए, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। नाउ यू हैव द डिविजिबिलिटी बाय 9। 3 की तरह ही 3 का एक्सटेंशन ही आ गया हम लोगों के पास 9 की डिविजिबिलिटी में। मुझे लग रहा है आप लोगों को अभी ये क्लियर हो रहा होगा। हम लोग फिर वही डिजिट्स का एडिशन उठाते हैं, सारे नंबर पूरे के पूरे नंबर में जो डिजिट्स हैं उनके एडिशन के बाद जो नंबर आया वो आया 18, और 18 का जो हमारे पास डिजिट्स का सम है दैट इज डिविजिबल बाय 9, देन यू कैन से द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। एंड नाउ वी कैन अनाउंस फॉर रूल, if the sum of the digits of given number is divisible by 9, then that number is divisible by 9. Then you have the divisibility by 10. ये तो बहुत easy है, मुझे लग रहा है सब लोगों को ये तो वैसे भी रूटीन में आता होगा। हमारे पास last digit यानी unit place पे आप लोगों के पास अगर 0 हो जाए तो that number is divisible by 10. Divisibility by 11, ये एक special type की divisibility है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 11 वैसे हम लोग के पास prime number है, but इसे मैं यहाँ आपके पास discuss कर रही हूँ क्योंकि ये लगभग digits के addition से related है, और यहाँ आपने digits के addition को आपने सीखा है अभी 3 में और 9 की divisibility में। हमारे पास एक number दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे एक 6 digit number है, इसमें कुछ digit odd places पे है और कुछ digits इवन प्लेसेस पे है। यहाँ एक चीज आपको क्लियर कर दूं, डिजिट्स को आप जब काउंट करना शुरू करोगे तो डिजिट के प्लेसेस वो फर्स्ट टू लेफ्ट टू राइट की तरफ काउंट करेंगे, यानी जो 6 है वो फर्स्ट प्लेस है यानी ऑड, 7 है वो थर्ड प्लेस है यानी ऑड, 5 है वो ऑड प्लेस है यानी फिफ्थ। इन सारे ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम लेंगे जो कि आपके पास 18 आ गया। अब इसी तरह से इवन प्लेसेस देखेंगे, इवन प्लेसेस पे है 4 जो कि सेकंड प्लेस है, 0 जो कि फोर्थ प्लेस है, 3 जो कि सिक्स प्लेस है। इन डिजिट्स को भी एडिशन लेंगे और ये हमारे पास एडिशन आके आ गया 7। अब हम इनका डिफरेंस लेंगे। यहाँ मैं डिफरेंस की बात आपको क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों को ऑड में से इवन माइनस करना है, आप इवन में से ऑड भी माइनस कर सकते हैं, बट थिंग इज दिस कि हमारे पास बड़ा नंबर आगे रहेगा और छोटा नंबर पीछे रहेगा। अब आपके पास जो भी डिफरेंस आया, यहाँ पर डिफरेंस आया 11, बट अगर ये 11 का मल्टीपल भी कोई आता है तो हम लोग दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब इसके रूल को एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में अगर मैं आपको समझाऊं, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर सभी को? नेक्स्ट,
डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज हम मैथमेटिकल नाम दे देते हैं, रूटीन में हम लोग इन चीजों को यूज करते हैं। मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर आप इस प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। हमने एक छोटा सा नंबर उठाया 72 और आप देखते हो 72 6 से डिविजिबल है। अब फर्दर हम लोग चेक करते हैं 72 से जो जो नंबर डिवाइड होंगे वो सब नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे, 2 से भी डिवाइड होंगे एंड 3 से भी डिवाइड होंगे, क्योंकि 2 एंड 3 6 के फैक्टर है। इट मींस अगर हम चेन की तरह चलें, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी हमने चेक, 2 और 3 हम डिवाइड करता है 6 को, 6 डिवाइड करता है 72 को, और 72 भी फर्दर किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो ये डिविजिबिलिटी चेन हमारे पास चलती रहती है। और इस रूल को हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, अ नंबर x इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर y, देन द नंबर डिविजिबल बाय x विल आल्सो डिविजिबल बाय y एंड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ y। इन सेकंड प्रॉपर्टी, फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखती हूँ, फिर आपको रूल बताती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा नंबर है 2520, हमने इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से, 5 से या 13 से। या स्पेशली मैं आपको मेंशन कर दूं, हम किस चीज की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, उन नंबर्स की जो कि को प्राइम है। को प्राइम नंबर वो रहते हैं जिनका आपस का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। आप लोग देख रहे हो 4, 5 और 13, ये सारे नंबर आपस में कैसे है, को प्राइम है, ये प्राइम भी है, ठीक है। और अगर एक दूसरे के साथ प्राइम है तो इन्हें हम को प्राइम भी कह सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 2520 जो हमारा नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, अभी हमने डिविजिबिलिटी चेक सीखा है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है। तो इन नंबर्स की हेल्प से अगर हम लोग बोले तो 5 × 4, दोनों हमारे पास जो फैक्टर डिविजिबल फैक्टर्स है उनको उठा के कोशिश कर रही हूं मैं अभी। 5 × 4 20 से भी डिविजिबल होगा, 3 × 5 65 से भी डिविजिबल होगा, 13 × 4 52 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? अब इसका एक बार रूल पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ ए नंबर x इज डिविजिबल बाय एनी टू और मोर देन टू को प्राइम नंबर, देन x इज आल्सो डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। बहुत इजी, बहुत सिंपल, रूटीन में आपके पास ये शायद कम यूज होगी, बट फिर भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर्स किस तरीके से एक दूसरे के पास डिविजिबिलिटी टेस्ट को कैरी ऑन करते हैं। हमारे पास दो नंबर है 225 एंड 375, आप लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लोगे, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो उनका जो सम है वो भी हमारे उस 5 से डिविजिबल होगा। या मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ दो नंबर्स का दिया, आप या मोर देन टू नंबर्स भी ले सकते हो। द नंबर x एंड y आर डिविजिबल बाय p, देन देयर सम x प्लस y इज आल्सो डिविजिबल बाय p। हम लोग वही सेम, हम भी पिछले प्रॉपर्टी में हमने एडिशन की बात की थी, या हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अगर कोई दो नंबर p से डिविजिबल है तो उनका जो डिफरेंस है वो भी p से डिविजिबल होगा। डिफरेंस डिपेंड करता है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहाँ पर मैंने अपनी ये चेन शुरू की है डिविजिबिलिटी टेस्ट नंबर सिस्टम्स की। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के पास इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाली हूँ, इजी टू टफ की तरफ जाएंगे। आप लोगों को ये समझ के साथ साथ अपनी स्पीड बनानी है, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट आपके पास आए आप लोग उसे अटेम्प्ट कर पाए। मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन की हेल्प से ही मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊंगी, क्योंकि ये काम मैंने आप लोगों के लिए ही शुरू किया है। मैथमेटिक्स का जो भूत सब लोगों के दिमाग में है, हम लोग उस भूत को निकालना चाहते हैं, और उस मैथमेटिक्स की जो वीकनेस है उसे रिकवर करते हुए ही मुझे आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसे आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल से क्लियर करना है। थैंक्स अ लॉट।